योगेन चित्तशपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान तोस्मि। ओम, आप सभी ग्रामवासियों को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के बलिगांव पंचायत स्थित लालगंज गांव में हम लोग तालाब के पोखरा के ऊपर शिव मंदिर के प्रांगण में बैठ करके पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके चारों तरफ खेत खलिहान हरा भरा पड़ा है, ऐसे पवित्र वातावरण में पक्षियों का कलरव हम सब के कानों में गूंज रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सभी रामकृष्ण के जमाने में हम सब वनों में बैठ करके जंगल में बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं और चारों तरफ शांत वातावरण और ऐसे शुद्ध वायुमंडल में बैठ करके अभ्यास करना हम सब के लिए निश्चित रूप से आरोग्य देगा। तो आइए, आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के 3रे दिन के इस पवित्र सत्र का शुभारंभ हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम से करेंगे। आंखें बंद, मन शांत और धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। पांच सेकंड तक सांस को भरना, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को बाहर करने का प्रयास। सांस भरते और छोड़ते समय आपका ध्यान सांसों पर टिक रहा है। हम अभी मोह माया की आसक्तियों से, पारिवारिक सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का संकल्प, अपने भीतर के काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार राग द्वेष को सांसों के द्वारा धीरे धीरे बाहर करने का ध्यान। जब सांस अंदर भरे अंदर भरे तो आपको लगे कि मेरे भीतर दुनिया का वो तेज सुख शांति समृद्धि सब मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। सांसों के साथ ही मेरे अंदर प्रेम करुणा दया सेवा परोपकार जैसे भाव भरते जा रहे हैं। मेरा हृदय मेरा शरीर प्राण वायु से भर रहा है। धीरे धीरे जितना हो सके आप सांस को ज्यादा से ज्यादा भरिए और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर करने का प्रयास। मन का आंगन ना बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब हम प्राण वायु के द्वारा मन के मैल को धोते हैं, धीरे धीरे सांस भरते गई, यह भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे भीतर सभी नस नाड़ियों में भारे परे विकार बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंचने से रक्त का प्रवाह ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीजन से ज्यादा उत्प्रोत होकर के हर एक अंगों को पोषित करता है, हर एक सेल्स को कोशिकाओं को जागृत करता है, ऊर्जावान बनाता है। और जब सांस ज्यादा ज्यादा भरते हैं तो फेफड़े के अंदर हृदय के अंदर छोटे छोटे असंख्य अरबों की संख्या में स्पंज नुमा चित्र होते हैं। जब ज्यादा सांस भरते हैं तो उन्हें स्पंज नुमा छिद्र में प्राण वायु जाने से हमारा हृदय कभी भी संक्रमण का शिकार नहीं होता, हमारा कभी हार्ट अटैक नहीं होता, कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी धड़कन, कभी हांफने की समस्या, कभी थकान की समस्या,
सांस संबंधी बीमारी, दमा का हो, टीबी का हो, खांसी का हो, टॉन्सिलाइटिस का हो, गले का हो, चर्म रोग हो, सोरायसिस हो, एक्जिमा हो, शुगर का समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, अनिद्रा की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, जिनको माथा दर्द माइग्रेन करता हो, देखने में सहज अभ्यास में केवल सांस ले रहे छोड़ रहे, लेकिन जब इसको लयबद्धता के साथ 5 सेकंड तक लेते हैं, 5 सेकंड तक बाहर करते हैं, 5 मिनट तक लगातार सांस को हृदय में भरते हैं, अंदर बाहर सांस प्रवाह की क्रिया हो रही है और हमारा मन भी एक जगह टिक रहा है, मन भी एक जगह रुका हुआ है, ये परमात्मा मेरा जीवन वास्तव में बहुत पवित्र हुआ, मेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी पेड़ पौधे नदी नालों के लिए, पूर्ण चांद सितारों के लिए समर्पित हो रहा है और मेरा जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पित हो रहा है। मैं अपने जीवन के दौर को परमात्मा के हाथों में सौंप रहा हूँ। हे परमात्मा, अब सौंप दिया इस जीवन को, लंबा गहरा सांस, इस जीवन को परमात्मा के जब हाथों में सौंपते हैं,